So hi kitties, how are you? Welcome back to my YouTube channel. I am Jyoti. So I hope आप सब लोग अच्छे होंगे. So आज की वीडियो हमारी होने वाली curls. So curls देखेंगे कैसे आने वाले हैं इससे. So I am excited कि दोनों के curls कैसे होंगे. So Nova का मैंने ऑन कर लिया है. तो इस साइड हम देखेंगे Nova वाले के साथ हमें कैसे curls मिलने वाले हैं. इसको हीट होने दो थोड़ा. सो आप बताना मेरे को बजट फ्रेंडली कौन सा आपके पास ऐसा स्ट्रेटनर है या कर्लर है जो हम आइकॉनिक के अलावा भी ले सकते हैं, क्योंकि आइकॉनिक का मे भी थोड़ा सा कॉस्टली में आ जाता है. 3000 की बात करें तो अगर तो थोड़ा सा हाई प्राइस है, लेकिन ये डिस्काउंट में मिला है तो ये 2500 के अराउंड मुझे मिल गया था. ओरिजिनल प्राइस की बात करें तो ये 3500 के अराउंड है. तो कई साइट्स पे ये 3000 का मिल रहा है, कहीं पे 27 का मिल रहा है, लेकिन जहाँ से मैंने बाय किया ये 2500 के अराउंड मुझे मिल गया था. सो ये हीटअप हो गया है. सो हम ऐसे एक छोटा सा सेक्शन लेंगे. सो इसकी जो सबसे गंदी बात है ना, वो ऐसे खुलता है. ये देखो बीच में ना, तो ये स्ट्रेट वाला या ना कर्ल वाला, तो ये इसकी बहुत दिक्कत आती है. देखो तो मैं अपवर्ड की तरफ कर रही हूँ. सो वेट, कम से कम 30 सेकेंड तो वेट करना पड़ेगा मुझे लग रहा है. सो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर आपके बाल पे हीट आ रहा है तो इसका मतलब कर्ल्स हो रही हैं. सो अभी तो कोई हीट नहीं आ रही. सो वेट एंड वॉच. मेरे यहाँ पे खारिश बड़ी होती है, आपके भी होती है, बताओ मेरे को. टाइम हो गया. सो लेट्स चेक इसको ऐसे ऐसे ऐसे. कैन यू सी? सीरियसली आई एम शॉकिंग कितना अच्छा रिजल्ट आया इसके साथ भी. यार नॉट बैड, अगर आप इसे लेना चाहो तो आप ले सकते हो. सो नॉट प्रोफेशनल यूज़, और सो अगर किसी को वैसे ही चाहिए, काफ़ी ज़्यादा यूज़ नहीं करता है, लेकिन फिर भी एक बजट फ्रेंडली चाहिए, तो आप Nova की तरफ जा सकते हो. सो नाउ लेट्स ट्राई हियर. सो इसको मैंने ऑन कर लिया है. 170 के अराउंड रखा है मैंने इसको. सो ये अभी हीटअप हो रहा है. सो ये हीटअप होने हो गया है, ये हीटअप. सो नाउ लेट्स ट्राई. सो मेरा दिल धक धक कर रहा है अभी, पता नहीं कैसा निकल के आएगा. शायद मैं गलत कर रही हूँ. So wait for 2 or 3 minutes, फिर देखते हैं. अगर अभी कर्ल्स नहीं हुए तो आ गए. दोनों का काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. दोनों अपनी अपनी जगह पर काफ़ी बेस्ट रहे हैं. मे बी वेट अ सेकेंड, मैं बाकी स्ट्रेट वाले बाल अपने पीछे कर लेती हूँ. Let's see. Now, see this difference. So, now, दिख रहा है आपको? यार नॉट बैड. इसके लिए ना मुझे प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे. खुल गए हैं दोनों की तरफ के, खुल रहे हैं धीरे धीरे. सो नॉट सो बैड. आपको क्लियरली डिफरेंस दिख गया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए. तो अगर मैं रेकमेंड करूँगी, अगर आपको वैसे ही
कम बजट में चाहिए तो आप नोवा की तरफ ज़रूर जा सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा है, पर्सनल यूज़ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लेकिन हो जाएगा। लेकिन मेरे तो प्रैक्टिस बिना प्रैक्टिस के भी काफ़ी अच्छा पड़ गया था। लेकिन आइकॉनिक की अगर बात करें तो स्ट्रेटनर बहुत ही अच्छा हुआ था। और कर्ल्स की बात करें तो कर्ल्स भी अच्छे पड़ जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत है ना, तो फर्स्ट टाइम में कोई कैसे ही कर सकता है। तो मैंने पहले ट्राई किया है, लेकिन काफ़ी टाइम बाद मैंने ट्राई किया था, तो फिर भी बहुत ही अच्छा पड़ गया, क्योंकि इसकी क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी तो है। वो था 3,000 का और वो है 300 का। सो आपको लेस करके 300 का मिलेगा नोवा वाला, और दूसरा वाला मिल जाएगा आपको 2,500 के अराउंड। सो इसके कम में तो शायद ही मिल पाए आपको, लेकिन 2,500 के अराउंड तो आपको मिल जाएगा। सो आप इसकी तरफ भी जा सकते हो, और वो आप देख सकते हो कि आपको कौन सा वाला चाहिए। सो आइकॉनिक का है जो वो प्रोफेशनली यूज़ किया जाता है थोड़ा, सो नोवा वाला जो पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। सो वो अब आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा वाला चाहिए। मैंने दोनों का डिफरेंस दिखा दिया आपको। सो दोनों की मैंने पूरी आपको क्लियरिटी बता दी है कि दोनों में क्या क्या है, दोनों में क्या क्या नहीं है। सो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, एंड वीडियो को शेयर कर देना। सो वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।